Welcome to One and All. We started with C++ board programs and we are about to complete all the board programs. And I hope you all are practicing with compilation in and software. Okay. Next, the second last board program we will do in this session, that is to find smallest of four numbers. Okay, let's see. Program to simple hai, but what is the task in this program? Let's see. Aim for this program is write a C++ program to find smallest of four given numbers, but four numbers should be integer. See the task. Okay, कि आपको smallest find out करना है, but उसमें सारे numbers क्या होने चाहिए? Integer and numbers using mean function. और ये function use करके ही आपको smallest find out करना है. So if you will change the name of function, so you will lose your all the marks. Okay. सो आपको मेन फंक्शन यूज करके ही प्रोग्राम करना है. एंड नेक्स्ट थिंग, मेन फंक्शन टू रिटर्न, रिटर्न कीवर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. रिटर्न द स्मॉलेस्ट ऑफ फोर गिवन इंटीजर. जब भी आपको रिटर्न बोला है, ओके, रिटर्न करना है आपको वैल्यू फंक्शन को, सो दैट टाइम उसका फंक्शन मीन्स ये मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप विल बी इंटीजर. यहाँ पे इंटीजर मेंशन है तो इंटीजर है, अदरवाइज इट कुड बी फ्लोट, डबल. ओके, सो यहाँ पे बोला है कि फोर स्मॉलेस्ट नंबर क्या है ऑफ टाइप इंटीजर. व्हाट इट मींस, आप अगर वैल्यू रिटर्न कर रहे हो फंक्शन को, सो मेन फंक्शन का भी रिटर्न टाइप इंटीजर ही होगा. ओके, सो यू विल गेट योर वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर. एंड सी हियर इन बोर्ड ऑल्सो द हिंट इज गिवन फॉर सच काइंड ऑफ प्रोग्राम, दैट इज सच काइंड ऑफ सिंटेक्स यू हैव टू यूज. Four integer number int 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 int, mean is the function which you have mentioned here, and this int is the return type instead of void. Okay, तो यहाँ पे अगर void होता तो यहाँ पे ये keyword mention ना होता return. Okay, तो यहाँ पे अगर return keyword mention है, so always keep in mind the data type you are using in your program you have to write here instead of void. Okay, so this is very important thing which you should know while writing program with function and if you want to return the value to the main function. Okay, let's see the code. See here, I'll show you with compilation also. First try to know what are the things we are using in this program. See, we want smallest of four numbers, so I have given you a b c d फोर नंबर्स एंड स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करने के लिए एक वेरिएबल यूज किया है स्मॉल. एंड यू कैन सी हियर उसमें जैसे हिंट दिया था कि आपको फंक्शन यूज करना है मेन, उसमें फोर डेटा देना है एंड टाइप शुड बी इंटीजर. ओके, सो इंट कॉमा इंट फोर टाइम्स लिखा है और उसका रिटर्न टाइप क्या होगा? इट शुड रिटर्न अ वैल्यू, मीन्स उसका रिटर्न टाइप वेरिएबल का ही टाइप होगा. सो इट इज इंटीजर. सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट विच इज एंडिंग विथ सेमीकोलन. ओके, अगर आपने कोई ऐसा एक फंक्शन यूज किया है जिसको आपने सिर्फ डिक्लेयर किया है, जिसको आपने बताया है कि हम हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐसे टाइप का फंक्शन यूज करने जा रहे हैं विद रिटर्न टाइप इंटीजर. ओके, सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज नोन एज फंक्शन प्रोटोटाइप. कीप इन माइंड, फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन प्रोटोटाइप बोथ आर वैलिड. ओके, नाउ सी आउट एंटर फोर नंबर्स. ओके, एंटर फोर नंबर्स, दिस इज नॉट हियर. See out enter four numbers. Okay, so you have to enter A B C D by your own. जो भी आप चाहो enter कर सकते हो. Then ये small में मैंने क्यों use किया? ये small to find out the smallest जो इसमें store होगा. Mean यही same function ऐसा copy होगा यहाँ पे. और int 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 ये four times जो थे अब हमें उसका value मिल गया है. So we'll pass the value A comma B comma C comma D. Okay. So we are using this function which we already declared here. ये जो mean हमने declare किया है अब हम उसको use करने जा रहे हैं. So such kind of statement is known as function call. Okay, हम इस function में value pass करके उसको call कर रहे हैं, मतलब उससे हम procedure करवाने वाले हैं. So such kind of statement is known as function call. Okay, keep in mind. Now as soon as ये function call होगा तो क्या करेगा compiler? कंपाइलर अभी यहाँ पे है, मीन के पास है, तो कंपाइलर विल सर्च दिस गिवन फंक्शन इन योर प्रोग्राम. ओके, तो कंपाइलर को यहाँ पे तो पता है कि ऐसा एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, ओनली डिक्लेयर. हाँ, कीप इन माइंड,
सो इट इज डिक्लेयर्ड. नाउ ये डिफाइन कहाँ पे किया है? सो अगर वो कंपाइलर देख रहा है तो डिफाइन यहाँ पे किया है. दिस इज होल कंटेंट इज फंक्शन डेफिनेशन. ओके सो यू कैन सी हियर इट इज रिटन हियर फंक्शन डेफिनेशन. ओके सो इन सम काइंड ऑफ प्रोग्राम यू कैन राइट द इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स. ओके लाइन का जो भी मीनिंग है यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स. नाउ नेक्स्ट थिंग कि फंक्शन प्रोटोटाइप और डिक्लेरेशन में यू कैन सी यू आर हैविंग सेमीकोलन बट इन फंक्शन डेफिनेशन यू आर नॉट हैविंग सेमीकोलन. क्यों? क्योंकि जैसे ही सेमीकोलन कंपाइलर को मिलेगा सो कंपाइलर वोंट रन द नेक्स्ट कंटेंट. ओके सेमीकोलन क्या करता है? हमारे लाइन का एग्जीक्यूशन स्टॉप करता है, इसलिए वो सेमीकोलन यहाँ पे है. ओके नाउ सी दिस इज द कंप्लीट कंटेंट जिसके थ्रू हम स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड रिटर्न लो. रिटर्न लो मीन्स व्हाट? रिटर्न करना है सबसे लो वाला वैल्यू और स्मॉलेस्ट नंबर. तो रिटर्न करना मीन्स अगेन इट विल गिव बैक टू दिस फंक्शन. मीन फंक्शन में स्टोर हो जाएगा, जैसे ही पूरा कैलकुलेशन होगा वो मीन में स्टोर होगा, फिर वो वाला वैल्यू स्मॉल में कॉपी हो जाएगा. ओके ये फंक्शन खाली यहाँ पे क्या लिखा है, हमने एक लाइन लिखा है, तो जैसे ही फंक्शन कॉल होगा कंपाइलर ने सर्च किया उसको यहाँ पे मिला, तो कंपाइलर ने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया, फिर उसने देखा रिटर्न कीवर्ड है. रिटर्न कीवर्ड मतलब फंक्शन रिटर्न करना इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, क्योंकि इंटीजर है रिटर्न टाइप. ओके तो उसने रिटर्न किया, वो नंबर कहाँ पे कॉपी हो गया? स्मॉल में. एंड सी आउट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर इज स्मॉल, जो भी स्मॉल का वैल्यू आएगा वो. ओके सो आई होप कि मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है हाउ टू यूज फंक्शन, मतलब फंक्शन यूज करके प्रोग्राम कैसे करना है. विल सी दिस प्रोग्राम विद कंपाइलेशन. लेट्स सी एज सून एज विल कंपाइल एंड देन रन दिस प्रोग्राम व्हाट विल गेट ऑन स्क्रीन. ओके एंटर फोर नंबर्स विल गेट दिस लाइन ऑन द स्क्रीन. देन सपोज वी एंटर 2, 3, 4, 5, यह हमने यहाँ पे एंटर कर दिया. नाउ ये क्या हो गया, हमने मेन फंक्शन में पास कर दिया वैल्यू 2, 3, 4, 5, ये वैल्यूज हमने पास कर दी. ओके और इसको कहाँ पे स्टोर करना है? स्मॉलेस्ट में, स्मॉल में. नाउ जैसे ही ये हमने पास किया वो कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे कॉल हो जाएगा. ओके नाउ सी हियर, अगर आपको ये प्रोग्राम का और भी डिटेल में इंट्रोडक्शन चाहिए तो यू कैन गो टू लेक्चर नंबर 26 and 27 ऑफ सी प्लस प्लस. ठीक है, सो इन दैट टॉपिक वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ थिंग. ओके सो देखो अभी यहाँ पे ये जो ए का वैल्यू था ये N1 में कॉपी हो जाएगा, बी का वैल्यू N2 में कॉपी होगा, सी का वैल्यू N3 में कॉपी होगा एंड डी का वैल्यू N4 में कॉपी होगा. एंड सच काइंड ऑफ टॉपिक जो हमने कवर किया था वो क्या था? कॉल बाय वैल्यू. ओके मीन्स एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कॉपी हो रहा है किधर पे? फॉर्मल में कॉपी हो रहा है टू डू द प्रोसीजर. ओके नाउ एंट लो, एक मैंने वेरिएबल ले लिया लो. नाउ इफ N1 कौन सा है? ये है, दिस इज N1, N2, N3 एंड N4. एक्चुअल को हमने फॉर्मल में कॉपी किया है. ओके सो फर्स्ट इन इफ लूप वील हैव टू चेक दैट 2, 3 से छोटा है क्या? यस इट इज ट्रू. इफ इट इज ट्रू तो क्या हो जाएगा? लो वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? N1 दैट इज 2. N1 का वैल्यू क्या है? 2. तो हमें एट प्रेजेंट क्या मिला? लोएस्ट वैल्यू 2. एल्स अगर ये फॉल्स होता, ये वाला कंडीशन अगर फॉल्स होता तो लो वाला वैल्यू क्या हो जाता? N2. ओके नाउ इफ अभी हमें ये चेक करना है कि N1 N2 में से तो हमें N1 छोटा मिल गया. नाउ वी हैव टू चेक दिस लोएस्ट वैल्यू विथ अदर टू वैल्यूज. ओके तो ये जो लो हमें मिला है उसको हम N3 से चेक करेंगे. N3 में क्या है? 4 कंपेयर्ड विथ लो. लो वाला वैल्यू क्या है? 2. ट्रू और फॉल्स? सो दिस इज फॉल्स. फॉल्स है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ही नहीं. ओके नाउ कंपाइलर विल जंप टू नेक्स्ट इफ लूप. सो N4 का वैल्यू है 5. 5 कंपेयर्ड विथ लो. सो दिस इज ट्रू और फॉल्स? दिस इज ऑल्सो फॉल्स. सो अगेन इट कंपाइलर विल स्किप दिस स्टेटमेंट. ये वाला जो स्टेटमेंट है ये स्किप होगा. एंड रिटर्न लो, तो अभी हमारा वैल्यू क्या है? लोएस्ट वैल्यू दैट इज 2. सो ये 2 है जो यहाँ से ये वाला 2 वैल्यू ये रिटर्न होगा. कहाँ पे रिटर्न होगा? अगेन टू दिस कॉलिंग, जो फंक्शन
कॉल किया था जहां से. ओके क्लियर. सो अब यहाँ पे एस का वैल्यू क्या हो गया, अभी हमें इस पूरे कंटेंट का मिनिमम का वैल्यू सॉल्व करने पे क्या मिला, 2. नाउ दिस 2 विल गेट कॉपी इनटू एस. ओके एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज, ये लाइन प्रिंट होगा एंड द वैल्यू स्मॉल दैट इज 2. ओके तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या मिला हमें, 2 मिला. ओके सो यू कैन प्रैक्टिस बाय टेकिंग सम ऑफ मोर वैल्यूज लाइक रैंडम वैल्यूज वॉट एवर यू वॉन्ट. ओके एंड यू कैन क्रॉस चेक इट विद दिस कंडीशन. ये जो कंडीशन यहाँ पे लिखा है आप उससे क्रॉस चेक कर सकते हो, और अगर कुछ आपको डाउट आ रहा है सो आप पूछ सकते हो थ्रू कमेंट और थ्रू ईमेल. ओके बट दिस प्रोग्राम इज रियली वेरी सिंपल एंड इट विल गिव यू 5 मार्क्स इन बोर्ड एंड इट आस्क नंबर ऑफ टाइम्स. सो बेटर यू कैन डू दिस प्रोग्राम. ओके एंड यू कैन डू दिस प्रोग्राम, वेरी सिंपल प्रोग्राम इट इज. ओके सो प्लीज प्रैक्टिस. एंड नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम विल बी टू फाइंड एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बाय फंक्शन सर्कल. ओके दिस विल बी द सेम प्रोग्राम लाइक दिस. सो दिस विल बी द लास्ट प्रोग्राम ऑफ योर C++ एंड लास्ट टॉपिक ऑफ योर C++. ओके विद दिस टॉपिक वी विल एंड आवर C++ कंप्लीटली. क्लियर. सो प्लीज प्रैक्टिस ऑल द बोर्ड प्रोग्राम्स सो दैट यू शुड गेट फुल 5 मार्क्स इन बोर्ड फॉर प्रोग्राम्स. ओके थैंक यू क्लास.